भाइयों और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आ चुके हैं आपको सितारा सवारी कराने कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आपके और हमारे सलमान खान। यस, फाइनली सलमान खान आ चुके हैं बिग बॉस सीजन 13 लेकर। बस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लोग ऑलरेडी दिल थाम के बैठ चुके हैं ताकि गाड़ी हाथ से ना निकल जाए। और इस बार तो सितारा स्पेशल है, सितारा स्पेशल यानी कि स्टार स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ होंगे भिड़ू। ये तो मेरा ओपिनियन था कि मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, सुबह मैंने रिव्यू में भी कहा, लेकिन अब यहाँ पर जनता की राय जानते हैं कि उन लोगों को कितना एक्साइटमेंट है बिग बॉस के लिए, सलमान के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, तू तू मैं के लिए, और साथ ही साथ थोड़ी धक्का मुक्की हो जाए तो भी चलेगा। सानू की फर्क पैदा है लेकिन इनको फर्क पड़ता है और इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है, यानी कि जनता को क्या लगता है। फाइनली बिग बॉस सीजन 13 का प्रोमो आउट हो चुका है। सलमान इज लुकिंग एज ऑलवेज एवरग्रीन हैंडसम। क्या कहना चाहोगे, प्रोमो कितना पसंद आया? इट्स प्रीटी गुड, आई मीन आई एम प्रीटी एक्साइटेड। सलमान खान हर बार उसमें आते हैं एंड इट गेट्स प्रीटी एक्साइटिंग टू सी दो सेलिब्रिटीज़। इस बार मैंने सुना है इस बार सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं सारे के सारे, सो इट्स नाइस, इट्स गुड टू सी दैट। इट्स लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम पर्सनली अ सलमान खान फैन एंड लास्ट सीजन बहुत ही लाइक धमाकेदार था बिकॉज शिल्पा शिंदे वॉज द विनर, शी वॉज अ सेलिब्रिटी। हाँ, कॉमनर्स की वजह से बहुत एक्साइटेड एक्साइटमेंट थी वो सीजन में, बट सेलिब्रिटी and that too she was amazing, so this season is going to be amazing I'm sure, and Salman is there so it's going to be rock। बिग बॉस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अपने सेलिब्रिटीज़ को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते क्योंकि आप उनको रियल लाइफ में देख नहीं रहे। बिग बॉस आपको उनके रियल फेसेस दिखाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है, मज़ा भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ, इस बार की थीम भी हॉरिफाइंग थीम है, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? I'm looking forward to it. So horror theme is altogether a new concept and it's nice. I mean, people get intrigued with that. So let's hope and see wo zyada acha lage and I'm really looking forward to the horror thing altogether. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत अलग है जी। हॉरर थीम बिग बॉस में, इट्स रियली कंफ्यूजिंग और कैसे होगा क्या होगा वो काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। कॉमनर्स का कॉन्सेप्ट हटा दिया है मेकर्स ने, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, क्योंकि लास्ट सीजन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था, सो आपको लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स आर डेस्परेटली एंड यू नो कॉन्शियसली टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ रिमूविंग द कॉमनर्स एंड ओनली सेलिब्रिटी सो दैट पीपल आर एक्साइटेड? सी, नोबडी वॉन्ट्स टू सी कॉमन पीपल स्टेइंग टुगेदर, ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू सी समवन नोन, सो ऑब्वियसली दे सेलिब्रिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसको हटाना तो मुझे नहीं लगा, मुझे जब उन्होंने किया तभी मुझे पता था कि नहीं चलेगा ये, मुझे पता था ये दो तीन सीजन के बाद इन लोग सेलिब्रिटीज़ पे आ ही जाएंगे, तो आ गए। श्योरली ओनली सेलिब्रिटीज़ बिकॉज कॉमनर्स आते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा बिकॉज कॉमनर्स का थिंकिंग इज डिफरेंट, सेलिब्रिटीज़ का इज डिफरेंट, सो श्योरली सेलिब्रिटीज़ होंगे तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा। या दैट हीना खान वाला वॉज प्रीटी गुड बिकॉज शी इज़ अ सेलिब्रिटी, पीपल नो हर एंड ऑल, तो आई होप उस टाइप का हो बिकॉज लास्ट ईयर आई डेंट इवन न्यू कब आया कब गया, तो इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि हीना खान और शिल्पा शिंदे जैसा कुछ अच्छा आए ऐसा। अच्छा देखने को। या वो और ही ज़्यादा फालतू ड्रामा है वो कॉमन, हाँ, सो आई थिंक सेलिब्रिटीज़ इज़ गुड बिकॉज पीपल हु वॉच दैट शो विल वॉच इट फॉर द सेलिब्रिटीज़, नॉट फॉर द कॉमन पीपल, या लाइक इन टू देयर लाइफ, इन टू देयर बिहेवियर, या आई थिंक या दैट्स अ गुड डिसीजन। एक बात तो हम कहेंगे कि जब बहुत सारे कलाकार एक कमरे में रहेंगे तो उथल पुथल तो मचेगी, क्योंकि क्योंकि हम जो हैं हम किसी के साथ रूम शेयर नहीं करते, क्योंकि जैसे हम फ़ोन चला रहे हैं रात में, कोई बंदा गाना सुन रहा है तो हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे ही जो कलाकार रहेंगे एक साथ कमरे में तो वो तो कलाकार हैं, हाई लेवल के लोग हैं, तो उनको कितना डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो वो झगड़ेंगे आपस में, देख लेना, लड़ेंगे झगड़ेंगे और बहुत कुछ होगा। जैसे आपको पता हो वो जो सपना चौधरी थी वो बहुत बड़ी क्या है डांसर, कौन से डांस करती हैं कहाँ पर, हरियाणा में डांसर हैं वो, मतलब उनका जो शो होता है तो पब्लिक देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, तो जब वो वहाँ गई कहाँ बिग बॉस में, तो उनकी हरकतें दुनिया ने देखी, उनकी जो हरकत थी दुनिया ने देखी नहीं देखी, तो इस बार कलाकार आएंगे बड़े बड़े तो आपको मालूम चल जाएगा कि कलाकार दिखते हैं सामने पर्दे के वो कैसे होते हैं, जब वो पर्दे के पीछे तो मालूम चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है, तो इस बार बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बिग बॉस में कलाकार झगड़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे वो, आप देखना सब आजकल ही कलाकार गालियाँ भी देते हैं पता है आपको, आपने देखा होगा सीक्रेट गेम आई है नवाज सर, मतलब गाली तो ऐसे फैशन बन गया आजकल। बिग बॉस की तो सबसे पहली चीज़ बिग बॉस सोचते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? सलमान खान। सलमान
सलमान खान सो आपको लगता है देर इज नो वन बेटर होस्ट देन सलमान खान फॉर बिग बॉस? फॉर बिग बॉस नो, देर इज नो बेटर सर. जैसे कि आप KBC के लिए अमिताभ बच्चन के अलावा कुछ नहीं सोच सकते, वैसे ही आप बिग बॉस के लिए सलमान खान के अलावा किसी और को नहीं सोच सकते. लेकिन रणवीर सिंह एक अच्छे होस्ट हो सकते हैं बिग बॉस के लिए, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसी है. I don't think so. I mean, he just nails it every time. And yeah, I mean, you just wait for him to come and talk on Big Boss. So no host is better than Salman Khan in Big Boss specifically. Because usually people say ki jab tak Salman aake unki vaat na laga de, because there are a lot of unbearable people in the house. So unke liye Salman is the only choice. Correct. I mean, he puts them in the right place, and that's something you can only expect from Salman Khan to do that. क्योंकि बिग बॉस में काफ़ी बार कॉमनर्स वाला जब तक थीम चल रहा था, काफ़ी ऐसे लोग भी आ रहे थे जिनको हैंडल करना मुश्किल हो गया था. चाहे मैं ओम स्वामी की बात करूं या तमाम ऐसे लोग हैं, तो इन लोगों को हैंडल करना सिर्फ और सिर्फ वीकेंड का वार पे सलमान की बस की बात है, क्योंकि सलमान विल पुट देम ऑन प्लेस. सलमान एक्चुअली बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हैं और उनका एक रुतबा है, तो वो बोलेंगे चुप तो इंसान चुप होता है. रणवीर सिंह चुप बोलेगा तो इंसान हंसने लगेगा, और उसको लग रहा है कुछ मजाक कर रहा है वो बंदा. तो वो एक सीरियसनेस और एक ना उनका वट है जी. वट है उनका, अगर उन्होंने कह दिया खामोश तो खामोश होना पड़ेगा. देखो सलमान भाई के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं उनको बहुत मानता हूँ. क्यों मानता हूँ? क्योंकि वो जो काम करते हैं देश के लिए वो कोई नहीं करता. वो कहते हैं ना किक मिलती है. हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ, मतलब लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ. बम्बई में आया हूँ मैं एक्टर बनने, लेकिन मैं पता क्या सोच के एक्टर बनना चाहता हूँ कि जिस दिन एक्टर बन जाऊँगा ना, जितना बने लोगों की हेल्प करूँगा. लेकिन भगवान है कि मेरी सुनी नहीं रहे, मुझे मौका ही नहीं दे रहे. अभी संघर्ष जारी है. और सलमान भाई की एक बात और है कि उन्होंने इंडस्ट्री में जो जो किया है वो कोई नहीं कर सकता. उनके साथ उनकी ज़िंदगी भी मतलब एक किसी फिल्म से कम नहीं है. उनके साथ जो हुआ आपको पता है, जो सलमान सर हैं उनके बाल जो है ना असली नहीं है. उन्होंने काफ़ी बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है. मतलब जो व्यक्ति यदि उनकी जगह पे कोई और बंदा होता तो वो मतलब उसके बाल झड़ जाते, वो कैसा लगता? मतलब एक आम आदमी होता तो वो कोई एक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि फिल्म लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान का लुक. तो वो इतना दर्द सहन करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, मतलब दवाइयों का कुछ ना कुछ चलता रहता होगा उनके साथ. जाते जाते सलमान के लिए या बिग बॉस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? फॉर सलमान, आई मीन ही इज ऑलवेज इन माय ऑल टाइम फेवरेट, सो एवरीवन लव्स यू एंड कीप रॉकिंग ऑन बिग बॉस डूड. I am very excited and weekend ka war obviously Salman rocks. So obviously he rocks it and I'm sure wo hame disappoint nahi karenge and this season is also going to rock. Thank you so much. Thank you. So lastly jaate kya kehna chahoge Big Boss ke liye? Best of luck. I hope aapka season acha ho, celebrities acche ho aur मज़ा है इस लोगों को देखने के लिए, क्योंकि लोग इसीलिए देखते हैं ताकि उसमें वो असली चेहरा उनके सेलिब्रिटीज़ का देख पाए. तो आई होप अच्छा हो. हेलो सलमान सर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. मेरा नाम अमन जैन है. मैं आपका फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि फ़ैन तो वो मतलब फ़ैन होते हैं जो आपको पसंद करते हैं. मैं आपकी अच्छाइयों को पसंद करता हूँ, क्योंकि आप जो करते हैं लोगों की हेल्प मैं भी करना चाहता हूँ. लेकिन मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि किसी की हेल्प कर सकूँ. तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मुझे यदि अपनी सेवा करने का एक मौका देंगे, बोले तो अपना बॉय बना लो या अपने मतलब अपने साथ कुछ भी छोटा मोटा काम दे दो, मतलब मैं आपकी छत्र छाया में बना रहूँ. तो मुझे भी किक मिलती है लोगों की हेल्प करने से. अब मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, इस काबिल नहीं हूँ, तो आपकी छत्र छाया में रहूँगा तो मेरी किक मतलब बराबर पड़ती रहेगी मुझे किक. मैं खुश होता रहूँगा. मैं एक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन नहीं बन पा रहा या बन जाऊँगा ये तो मुझे नहीं पता. लेकिन एक बात ज़रूर मालूम है कि मैं जिस दिन एक्टर बनूँगा या बहुत पैसा कमाऊँगा तो मैं सलमान खान के जैसा ही बनूँगा.
तो देखा आपने, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर किसी को बिग बॉस के लिए उतनी ही एक्साइटमेंट है जितना कि मुझे है। हर इंसान चाहता है कि जल्दी से सलमान आ जाए और जल्दी से वो हॉरर थीम हमें देखने को मिले। और इस बार क्योंकि सेलिब्रिटी स्पेशल है तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये है कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ होने वाले हैं। समझ तो आ नहीं रहा है कौन कौन होने वाले, लेकिन जो भी होंगे मैं आपके पास लेकर जरूर आऊंगी। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को, और उसके साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है तो वेस्ट क्यों करना कमेंट सेक्शन, कमेंट्स करो, ओपिनियन बांटो अपने। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो बिग बॉस के लिए, एंड साथ ही साथ लाइक करना मत भूलना दिस वीडियो को। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।